हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक छिड़क रहे हैं, मतलब ज़रा से दो, एक से दो पिंच, ताकि बैलेंस हो जाए जायका सब चीज़ों का। फ्रेंड्स, चटनी बिल्कुल रेडी है। इसे आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए, निकाल के किसी डिश में और वो ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छे नहीं लगते तेल तो अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसका जायका अच्छा लगता है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मिक्स करके इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, निकाल के फिर जार में भर के रख लेंगे इसे। तो 350 ग्राम के करीब हमारी ये चटनी बन गई है, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक आराम से चलेगी, अगर आप आधे से एक चम्मच रोज़ाना खाते हैं तो। नहार मुँह के बाद नहार मुँह भी खा सकते हैं, लेकिन नाश्ते के बाद खाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।